तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंडक्टर्स उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और हमने वो सर्किट्स देखे हैं जहाँ पे इंडक्टर्स खाली वही लगे हुए हैं। तो अब ये जरूरी थोड़ी कि आपके पास सर्किट में हमेशा इंडक्टर ही हो, आपके पास और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट में रेजिस्टर भी हो सकता है और इंडक्टर भी हो सकता है। तो आज देखेंगे कि भाई अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है तो उससे क्या होता है। तो ऐसा एक सर्किट जिसमें आपके पास इंडक्टर भी है और रेजिस्टर भी है उसको क्या बोलते हैं, एल आर सर्किट बोलते हैं। अब अगर आप देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि एल आर सर्किट में जो आपके पास इंडक्टर है और रेजिस्टर है वो आप बाहर से ऐसे देखे आए हैं। एक सर्किट में इनबिल्ट अपनी खुद की रेजिस्टेंस भी हो सकती है और इंडक्टेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है यहाँ पे जिसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा है और इसे मैं एक बल्ब जगा रहा हूँ। अब अगर आप देखो ये जो वायर है इसकी कुछ अपनी रेजिस्टेंस भी तो है, सिमिलरली इस वायर की कुछ अपनी इंडक्टेंस भी तो है। अब अगर मैं इस वायर की पूरी रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस कर दूँ एक रेजिस्टर आर से और इसकी पूरी की जो इंडक्टेंस है उसको रिप्लेस कर दूँ एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है, तो मेरे पास एल आर सर्किट यहाँ पर आ गया। आपकी जो वायर है वो एल आर सर्किट ही है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो एल आर सर्किट है ये खाली किताबी बातें नहीं है, खाली ख्याली पुलाव नहीं है। आपके पास अगर एक वायर है वही आपका एल आर सर्किट है। लेकिन काफ़ी बार आपके पास केसेस हो सकता है जहाँ पे आपने बाहर से ऐसे रजिस्टर लगाए हैं, ऐसे इंडक्टर्स लगाए हैं, वो भी एल आर सर्किट होंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे कि भाई एल आर सर्किट में क्या होता है, तो भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट में मेरे पास एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक बैटरी, तीनों सीरीज में है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो स्विचेस भी हैं, एस वन और एस टू, दोनों पहले ओपन है। ठीक है, तो कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रही। अब क्या कहते हैं, किसी टाइम जीरो सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, एस वन को क्लोज करते हैं तो सर्किट बंद हो जाएगा, कुछ करंट फ्लो करना चालू कर देगी इस सर्किट में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई करंट जो है वो इमीडिएटली एकदम बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर इंडक्टर लगा के रखा हुआ है और अपने को पता है कि भाई इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज को अपोज करेगा। तो जब करंट बढ़ना चालू करेगी तो ये इसको बढ़ने नहीं देगा, तो करंट जो है एकदम बढ़नी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, राइट। तो अब जब करंट आपकी इंक्रीज कर रही है उस दौरान किसी एक इंस्टेंट किसी एक क्षण के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इस पाथ के लिए लूप रूल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग। तो कोई एक पॉइंट ए उठाते हैं यहाँ से फिर मूव करना चालू करते हैं तो आपके पास ई आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस आई आर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक इंडक्टर आ रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ई एम एफ पैदा होगा, करंट चेंज करिए, इंक्रीज करिए करंट, राइट, कितना पैदा होगा, एल डी आई बी डी टी, अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस एल डी आई बी डी टी। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा ए पोजीशन में पहुंच गए, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन लूप रूल यूज़ करने के बाद। अब दो बातें यहाँ पर नोट करने के लिए, पहली बात जैसे हमने बोला कि भाई किसी एक इंस्टेंट किसी एक क्षण के लिए, क्योंकि अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे एक इंडक्टर है, इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो डिपेंड करेगा कितनी तेज़ी से उस टाइम पे करंट चेंज हो रही है, और डिफरेंट टाइम पे करंट डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकती है। जनरली जब भी आपके पास एक सर्किट में इंडक्टर है या फिर एसी सर्किट्स में जो होगा वो हम किसी एक इंस्टेंट लूप रूल जब यूज़ करेंगे तो किसी एक इंस्टेंट किसी एक क्षण की बात ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टेजेस होती हैं वो टाइम पर डिपेंड करने वाली हैं, टाइम के साथ वैरी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए आप। और दूसरी बात देखिए, हमने बोला यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे लूप रूल यूज़ कर रहे हैं और ऐसे ही आपको किताबों में लिखा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लूप रूल यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे फैराडे का रूल यूज़ कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो से पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप देखिए, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे जब आपके सर्किट में एक इंडक्टर होता है तो वहाँ पे किरचॉफ लूप रूल नहीं लगता, वहाँ पे फैराडे का रूल लगता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या ये अपने को कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास एक साइड पे डी आई बाई डी टी आ जाए, कितनी तेज़ी से करंट चेंज हो रही है, वो किस बराबर हो जाएगा, ई माइनस आई आर बाई एल, मतलब ई बाई एल माइनस आर बाई एल आई। ठीक है, तो ये आपकी आपके पास कितनी तेज़ी से आपकी करंट चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग तीन डिफरेंट टाइम्स में देखेंगे, देखेंगे अभी क्या क्या बता रही है अपने को, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है अपने को। तो पहला कैसे होगा, जब आपने एस वन स्विच जो है जस्ट क्लोज ही किया है एग्जैक्टली उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आई आपकी जीरो होने वाली है, तो कितनी तेज़ी से करंट चेंज होने वाला है वो डिपेंड करने वाला है ई और एल पे, ई बाई एल होगा। जैसे देख सकते हैं कि भाई इंडक्टेंस पे डिपेंड करने वाला है, कितनी तेज़ी से करंट इंक्रीज होगी वो इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा। आपकी इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो कम तेज़ी से करंट इंक्रीज होगी, अगर कम है तो जल्दी बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। तो दूसरा कैसे होगा, किसी एक टाइम टी पे जब आपने एस वन स्विच क्लोज कर दिया उसकी थोड़ी देर बाद किसी एक टाइम टी पे कितनी तेज़ी से करंट चेंज कर रही है वो किस बराबर होगी, अगेन ये इक्वेशन, लेकिन इसी इक्वेशन में अगर आप देखो अभी आई की कुछ वैल्यू होने वाली है तो कितनी देर से करंट चेंज हो रही है उस टाइम पे वो किस बराबर होगा, ई बाई एल माइनस आर बाई एल आई, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंस आई की कुछ वैल्यू है आप देख सकते हैं कि भाई कितनी तेज़ी से करंट चेंज हो रही है अभी यहाँ पे, वो
इवन रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टर पे भी डिपेंड करने वाला है, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करने वाला है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि भाई ये वाला फैक्टर जो है ये इससे कम है, मतलब कितनी तेज़ी से करंट अभी चेंज हो रही है वो इसके मुकाबले में, स्टार्टिंग में जितनी तेज़ी से करंट चेंज हो रही थी उससे कम है। तो तीसरा केस होगा जब आपकी जो सर्किट में करंट है कुछ देर के बाद फाइनल जो भी इसकी वैल्यू होनी चाहिए करंट की वो पहुंच गई है। अभी जब फाइनल वैल्यू पहुंच गई तो अभी करंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब डीआईबीडीटी जीरो हो जाएगा। जब डीआईबीडीटी जीरो डालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास आई किस पर आ जाएगा, ई बाई आर। अब अगर आप देखो जो करंट है यहाँ पे वो खाली रेजिस्टर पे डिपेंड कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि हमने इंडक्टर भी लगाया हुआ यहाँ पे, क्योंकि अभी करंट चेंज नहीं कर रही, इंडक्टर का कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि भाई स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी करंट, कुछ देर के बाद चेंज होना कम हो गया और फाइनली चेंज होना बिल्कुल बंद हो गया, और तब आपकी करंट जो है वो ई बाई आर जो फाइनल वैल्यू थी वो पहुंच गई, और ऐसा लग रहा है कि भाई इंडक्टर हमने लगाया ही नहीं है यहाँ पे। तो सेम चीज़ को आप एक दरिया, रिवर के सफ़र, उसकी जर्नी के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब शुरू करता है दरिया पहाड़ों में से तो बड़ी तेज़ स्पीड होती है उसकी, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो जाती है और बाद में स्पीड ख़त्म हो जाती है, समुद्र में मिल जाता है। तो यहाँ भी करंट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, स्टार्टिंग में दिल में बड़ी हलचल मची हुई है, अरमान बाहर आने को तैयार है, बेचैन है, राइट। यहाँ तक पहुँचे पहुँचे अरमान ठंडे हो जाते हैं, और यहाँ पे आके तो अरमान खाली अरे मर ही जाते हैं। तब तक तो हमने तीन डिफरेंट इंस्टेंट देखे और देखा कि भाई इन डिफरेंट इंस्टेंट पे करंट कैसे चेंज कर रही होगी। अब अगर आपने को चाहिए कि भाई एक मेरे को एक्सप्रेशन मिल जाए, जनरल एक्सप्रेशन मिल जाए, जिसको यूज़ करके मैं किसी भी टाइम पे करंट कितनी होगी वो निकाल पाऊँ, तो वो भी हम निकाल सकते हैं और वही करेंगे हम अभी। तो यहाँ से हमने अभी ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अभी अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक तरफ आई वाले सारे कंपोनेंट लेके आ जाओ, दूसरी तरफ टी वाले सारे कंपोनेंट लेके आ जाओ। तो इसको नीचे मूव करो, इसको यहाँ मूव करो, आपके पास लेफ्ट साइड पे आई वाले सारे कंपोनेंट्स आ गए और राइट साइड पे आपके पास टी वाले सारे कंपोनेंट्स आ गए। आप देखो अगर आप टी जीरो पे आई जीरो है और ज़ूम करते हैं किसी टाइम टी पे, जितनी सर्किट में करंट बिल्डअप होनी चाहिए उतनी बिल्डअप हो चुकी है, फाइनल वैल्यू पहुंच चुकी है करंट की, उसको आई बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपको इसको जीरो से आई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको जीरो से टी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपके पास आई की जो वैल्यू आने वाली है वो ऐसी कुछ आने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं आई की वैल्यू ई पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टी पे डिपेंड करने वाली जिस टाइम पे आप करंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, और आर बाई एल उस पे डिपेंड करने वाली, ठीक है। तो ये तो थी आई के लिए एक्सप्रेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि भाई इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के साथ, इसका डी आई बाई डी टी निकालिए, और जो तीन केसेस हमने देखे थे यहाँ पे, जो कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे यहाँ निकाले थे, देखिए कि क्या भाई आपको डी आई बाई डी टी जो आपने यहाँ पे निकाला उससे भी क्या आप सेम नतीजे निकाल पा रहे जो हमने यहाँ पे निकाले थे। तो भाई ये थी एक्सप्रेशन हमारी करंट की, ठीक है। अगर इसको यूज़ करके आपको एक ग्राफ प्लॉट करना हो जिसको देख के आप बता सकेंगे कि भाई कंटिन्यूसली टाइम के साथ करंट कैसे वेरी करे, तो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, जैसे देख सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो चेंज है करंट का चेंज बहुत ज़्यादा है, यानी करंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बाद चेंज करंट का कम हो गया, यानी भी ऐसा ऐसा बढ़ रही है, और कुछ देर के बाद जो फाइनल वैल्यू है करंट की जो ई बाई आर होने वाली है वो पहुंच जाती है। अगर हमने आपको ये वाली एक्सप्रेशन नहीं दी होती और यहाँ पे आपके साथ माथा बोड़े नहीं किया होती, तो शायद आपको लगता कि करंट जो है वो ऐसे चेंज करेगी, फटाफट फाइनल वैल्यू बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, करंट ऐसे ऐसे चेंज करती है, ठीक है। तब एक बार आपके पास ग्राफ आ गया तो किसी भी टाइम पे अगर आपको पता करना है कि भाई करंट कितनी होगी, आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं। तो भी किसी एलआर सर्किट के लिए ये थी एक्सप्रेशन करंट की। अभी आपके पास अलग अलग एलआर सर्किट हो सकते हैं और हर एक सर्किट में रेजिस्टेंस की और इंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको दो सर्किट को कंपेयर करना हो कि भाई दोनों में से किस में करंट जो है ज़्यादा तेज़ी से बिल्डअप होगी, तो आप देख के नहीं बता सकते खाली, आपको शायद दोनों का पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और शायद वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपको चाहिए कोई आसान तरीका जिससे आप देख के बता सको कि भाई किस में ज़्यादा तेज़ी से करंट बिल्डअप होगी, तो उसके लिए आपको कोई एक पैरामीटर चाहिए जो आप यूज़ कर सको, ठीक है। और वहीं पे हमारा एक पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया हुआ केसेस में टाइम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो आने वाला है, उसको भी देखेंगे। तो अभी टाइम कांस्टेंट के लिए ये हमारे पास आई की एक्सप्रेशन थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ई की पावर में माइनस टी आ रहा था। अब अगर मैं टी की वैल्यू एल बाई आर कर दूं, तो ये ई क्या बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा, या फिर वन माइनस वन बाई ई बन जाएगा। तो अगर मैंने टी एल बाई आर डाला तो आई किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई आर वन माइनस वन बाई ई। ई बाई आर क्या है, ई बाई आर है फाइनल वैल्यू करंट की, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, राइट। और वन माइनस वन बाई ई किसके बराबर होता है, अराउंड 0.63 के बराबर होता है। तो टाइम एल बाई आर में जो करंट आपकी है वो 63% फाइनल वैल्यू की पहुंच चुकी है, और इसको एल बाई आर को क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो भी अगर आपके पास दो सर्किट दिए गए हों और आपको कंपेयर करना हो, तो आप सिंपली एल बाई आर निकालो, टाइम कॉन्स्टेंट निकालो, और जिसका टाइम कॉन्स्टेंट कम है उसमें करंट तेज़ी से बिल्डअप होगी, क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा है 63% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुंचने के लिए।
तो सेम चीज़ को हम लोग इस ग्राफ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है और ये वाला करंट एक्सिस है। तो टाइम कांस्टेंट पे एल बाई आर पे जो करंट होने वाली है अराउंड 63% फाइनल वैल्यू की होने वाली है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई हर एक एल आर सर्किट के लिए ग्राफ ऐसा ही होने वाला है। फ़र्क बस होगा कि आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्किट में जिसका टाइम कांस्टेंट इससे कम है, तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कहीं से गुजरेगा, वो ग्राफ यहीं पे कैसे गुजरेगा। अगर कोई सर्किट है जिसमें जिसका टाइम कांस्टेंट जो है इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे कहीं से गुजरेगा वो। लेकिन सभी टाइम कांस्टेंट पे जो करंट होने वाली है वो 63% फाइनल वैल्यू की होगी, इसका ख्याल रखिए आप। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि भाई करंट कैसे बिल्डअप हो रही थी। ठीक है, अब करंट बिल्डअप हो चुकी है, जो फाइनल वैल्यू पहुँच रही थी करंट को सर्किट में वो पहुँच चुकी है। लेट्स अज्यूम करते हैं वो आई जीरो है। अब मैं क्या करता हूँ, एस वन स्विच को ओपन कर देता हूँ और एस टू स्विच को क्लोज कर देता हूँ। मतलब हमने सर्किट में से सोर्स को हटा दिया, अभी सोर्स नहीं है सर्किट में, तो अभी करंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब कैसे कम होगा उसके लिए मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाली थी कि बढ़ेगी कैसे, इस तरह से हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आई के लिए घटेगी कैसे। और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था यहाँ कर सकते हैं। मैंने पूरा पूरा प्रोसेस यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा डेरिवेशन खुद कीजिए। ठीक है, जब आपकी डेरिवेशन फाइनल आएगी तो ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आएगी करंट की, राइट, इसकी तरह दिखती है। लेकिन एक डिफरेंस है उसमें, यहाँ पे खाली ई आ रहा है, यहाँ पे वन माइनस ई था, तो आप नोट कीजिए उसको। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि भाई किसी गिवन टाइम में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये जो हमारे पास आई की एक्सप्रेशन आई है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, हमारे पास यहाँ पे टाइम एक्सिस है और यहाँ पे करंट एक्सिस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हमारे पास ग्राफ यहाँ पे आया था एग्जैक्टली वैसे ग्राफ आने वाला है यहाँ पे, खाली एक ही फर्क है, ग्राफ उल्टा होगा। आपके पास यहाँ पे आई की कुछ इनिशियल वैल्यू है, आई जीरो वैल्यू है, आपने सर्किट में से सोर्स को हटा दिया तो बहुत तेज़ी से कम होगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और फाइनल जीरो बन जाएगी। तो अगर आप देखेंगे भाई टाइम कांस्टेंट पे करंट कैसे होने वाली है, तो यहाँ पे आप टी की जगह आप एल बाई आर डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास ई टू द पावर माइनस वन वन बन जाएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.37 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई टाइम कांस्टेंट पे जो आपकी करंट होगी वो जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी आई जीरो उसके खाली 37% उतनी ही बच जाएगी। और ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ करता है कि भाई यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे आपकी करंट थी जो आपकी फाइनल वैल्यू थी उसके 63% पहुंच गई, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे करंट जो है जो इनिशियल करंट थी उसके 37% रह गई है। इसको कहने का एक और तरीका ये भी है, अगर आप देखो 37% ओरिजिनल करंट के बचना सेम है कहना कि भाई टाइम कांस्टेंट तक 63% डिके हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब सिमेट्री लग रहा है कि भाई यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे 63% जो आपकी फाइनल वैल्यू थी उसके 63% पहुंच गई, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी उसके 63% डिके हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो भाई जाने से पहले आखिरी पॉइंट, ठीक है, अगर आप देखो हमने बोला कि भाई एक टाइम कांस्टेंट के बाद टाइम कांस्टेंट को टाउ भी लिखते हैं, जो करंट है वो फाइनल वैल्यू के 63% बिल्डअप हो चुकी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दो टाइम कांस्टेंट के लिए, पांच टाइम कांस्टेंट के लिए और 10 टाइम कांस्टेंट के लिए करंट की वैल्यू निकाली, और अगर आपने सही निकाली है तो आपके पास ऐसे कुछ नंबर आने चाहिए। दो टाइम कांस्टेंट के बाद जो फाइनल वैल्यू के 86% बिल्डअप हो जानी चाहिए, पांच टाइम कांस्टेंट के बाद अराउंड 99.3% बिल्डअप होनी चाहिए, और 10 टाइम कांस्टेंट के बाद 99.995% उतनी बिल्डअप हो जानी चाहिए। जैसे देख सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में करंट जो है काफ़ी तेज़ी से बिल्डअप हो रही है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है, राइट। तो ये थी कहानी आपकी एल आर सर्किट की। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि इसको यूज़ करके हम एक सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।